I knew without a doubt that the best actor this year by far, according to me, is Mr. Aamir Khan for Gajini. दोस्तों आज जिन एक्टर्स की हम बात करेंगे ये दोनों ही बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स हैं। आज भी 30 सालों से बॉक्स ऑफिस पर कायम है और सुपरहिट फिल्में देते आ रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो अपने करियर की शुरुआत एक ही टाइम पर की थी। करियर के टाइम पर एक ऐसा पॉइंट आया था जब इन दोनों एक्टर्स को साथ काम करने का चांस मिला था, लेकिन ये चांस एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ऐसा? क्योंकि इन दोनों में से किसी एक ने स्मार्टली खेल लिया था और दोनों के बीच में डिस्टेंसेस जो जब थे तब हुए थे वो आज तक मेंटेन है। इन दोनों ने कभी भी एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। यहां पर बात हो रही है आमिर खान और अक्षय कुमार की। तो दोस्तों आज बॉलीवुड के अनसुने किस्से में मैं आपको बताऊंगा क्यों इन दोनों एक्टर्स ने कभी भी एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। वेल, अगर बात करें आमिर खान और अक्षय कुमार की तो दोनों ही बॉलीवुड के अंदर बेहतरीन सुपरस्टार हैं और इनकी काफी चीजें सिमिलर हैं। दोनों ने आसपास ही अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड के अंदर की थी। साथ ही दोनों ने कई जॉनर्स की फिल्मों में काम किया है। इन्होंने एक्शन फिल्में की हैं, रोमांटिक फिल्में की हैं, पेट्रियोटिक फिल्में भी की हैं और अगर बात करें इनकी पर्सनल हैबिट्स की तो ये दोनों अपनी हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कि दोनों हेल्थ कॉन्शियस हैं। ये दोनों बॉलीवुड की पार्टी से अपने आप को दूर ही रखते हैं और सेट पर टाइम पर पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। जहां पर आमिर खान दो या एक साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं, वहीं बात करें अगर अक्षय कुमार की तो ये एक साल में कम से कम चार फिल्में तो करते ही हैं। और अगर अब बात करें उस पॉइंट की जब दोनों को साथ काम करने का मौका मिला था तो वो टाइम था ईयर 1991। आमिर खान तब बॉलीवुड में सुपरस्टार बन चुके थे क्योंकि उनकी फिल्म कयामत से कयामत तक सुपर डुपर हिट हो चुकी थी और इसके बाद वो अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे थे और ये फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे आमिर खान के अंकल नासिर हुसैन और ये फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे उनके कजन नासिर हुसैन के बेटे मसूर खान, जिन्होंने कयामत से कयामत तक फिल्म डायरेक्ट की थी। उस दौरान अगर अक्षय कुमार की बात करें तो वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, विदाउट एनी बॉलीवुड बैकग्राउंड वो बॉलीवुड में जहां तहां जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। ईयर 1991 में उनकी फिल्म आई थी सौगंध और ये वही टाइम था जब अक्षय जगह जगह जाकर दूसरी फिल्मों के लिए ऑडिशन कर रहे थे। अक्षय कुमार के पास उस समय फिल्में तो थी लेकिन वो फिल्में बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्में थी। तभी उन्हें पता चला कि नासिर हुसैन एक फिल्म बना रहे हैं, ये फिल्म है जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म में लीड एक्टर एज आमिर खान को कास्ट किया जा चुका है और अक्षय कुमार भी अपना हाथ आजमाना चाहते थे। वो भी एक अच्छी फिल्म में काम करना चाहते थे, एक ए ग्रेड फिल्म के अंदर काम करना चाहते थे। यही कारण था उन्होंने आमिर खान के साथ सेकेंड लीड रोल के लिए इस फिल्म में ऑडिशन दिया। अपने ऑडिशन देने के बाद अक्षय कुमार फिल्म के प्रोडक्शन से जवाब का इंतजार ही कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को उनका ऑडिशन जरा भी पसंद नहीं आया। इनफैक्ट उनके ऑडिशन को देखकर प्रोड्यूसर ने कहा कि ये बहुत ही क्रैप ऑडिशन है और ये एक्टर नहीं एक फर्नीचर है। ऑडिशन देने के बाद अक्षय कुमार काफी दिनों तक इस फिल्म से कॉल आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पता लगता है कि जिस रोल के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था उस रोल के लिए किसी और को फाइनलाइज कर लिया गया है। और किसे फाइनलाइज किया गया था? दीपक तिजोरी को। जी हाँ, दीपक तिजोरी, जो कि आमिर खान को अपने थिएटर के दिनों से जानते थे। दोनों ने साथ में थिएटर का कोर्स किया था, तभी आमिर खान ने इस रोल के लिए दीपक तिजोरी को रिकमेंड किया। और क्योंकि वो फिल्म आमिर खान के होम प्रोडक्शन की फिल्म थी इसीलिए इस फिल्म में बाकी सभी एक्टर्स जिन्होंने ऑडिशन दिया था उन्हें कैंसिल कर दिया गया और दीपक तिजोरी को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज किया गया। अक्षय ने जब पूछा कि अगर मेरा नहीं हुआ तो किसका हुआ है तो प्रोडक्शन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद जब अक्षय कुमार को जब ये पता चला यहां तो फिल्म में दीपक तिजोरी को ले लिया गया है क्योंकि वो आमिर खान के दोस्त हैं, तब अक्षय कुमार को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा क्योंकि अगर इस फिल्म के लिए उन्हें अपने दोस्त को ही लेना था तो फिर इतने सारे लोगों को ऑडिशन क्यों लिया गया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की ये बात उस दिन अक्षय कुमार को एज अ लेसन समझ आई और इस सबक से उन्होंने ऐसी सीख ली कि अपने करियर में उन्होंने कभी भी आमिर खान के साथ किसी फिल्म के अंदर काम नहीं किया। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया जब आमिर खान काम करने वाले थे फिल्म रुस्तम में, लेकिन उसमें फिर अक्षय कुमार ने आमिर खान को रिप्लेस किया। यानी कि एक बार जैसा आमिर खान ने अक्षय कुमार के साथ किया था, मतलब अक्षय कुमार को रिप्लेस करवा दिया था फिल्म से, रुस्तम में आकर अक्षय कुमार ने अपना बदला पूरा कर लिया। आज बात करें बॉक्स ऑफिस की तो आमिर खान की पिछली फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, सुपर डुपर फ्लॉप रही। भाई अगर बात करें अक्षय कुमार की तो उनकी कई पिछली फिल्में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी हैं बॉक्स ऑफिस पर और इसी साल उनकी चार और फिल्में आने वाली थी लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ऐसा होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, बेहतरीन सुपरस्टार्स हैं,
और दोनों ही डिग्निटी मेंटेन करके चलते हैं। यही कारण है कि दोनों ने कभी भी एक दूसरे के साथ काम नहीं करने पर भी कोई कमेंट नहीं किया, ना ही कभी एक दूसरे के बीच में आए, लेकिन हाँ कोई फिल्म साथ में साइन नहीं की। ये काफी है बताने के लिए कि दोनों के बीच में कोई वॉर तो चल रही है, हालांकि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए। इनफैक्ट एक बार तो अक्षय कुमार को उनकी फिल्म के लिए अप्रिशिएट किया गया, तब अक्षय कुमार ने ये अप्रिसिएशन आमिर खान के साथ शेयर किया। ये बात तब की है जब अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था। फिल्म थी सिंह इज किंग, उसी साल आमिर खान की फिल्म आई थी गजनी। तब उन्हें फील हुआ कि मैं इस अवार्ड का हकदार नहीं हूं, बल्कि गजनी फिल्म में आमिर खान ने मुझसे बेहतर काम किया है, इसीलिए उन्होंने अपना ये अवार्ड आमिर खान को डेडिकेट किया था। I knew without a doubt that the best actor this year by far according to me is Mr. Aamir Khan for Gajni. Well, I wish कि ये दोनों एक्टर्स कभी तो हमें किसी फिल्म में एक साथ काम करते नजर आए। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि आमिर खान और अक्षय कुमार एक साथ कोई फिल्म साइन करें? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ड्रामा और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज PR बॉलीवुड।